यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे आप लोग? होप करता हूँ सब मजे में। तो गाइस आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए गेम प्ले में। तो गाइस इस गेम का नाम है सर्जियन सिमुलेटर 2, जो कि है एक गेम, बहुत ही अस्पताल टाइप गेम है, एक डॉक्टर टाइप गेम है। मतलब एक अस्पताल है, इसमें एक डॉक्टर है, उसके बेसिस पे ये बनाया गया और काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। तो गाइस आज हम ये वाला गेम खेलना चाहते हो आप भी, तो इसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। जो मेरा चैनल है उस पर चल रहा है एक्सबॉक्स पास का रिडीम कोड्स का गिव अवे। तो आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना, आपको अपना नाम लिखना और इंस्टाग्राम आईडी कमेंट्स में लिख देना, और इस गेम के बारे में भी आपको कमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तो गाइस लेट्स गो, ये वाला गेम आज हम खेलने वाली है, बहुत ही बेहतरीन और मस्त गेम है। और हॉस्पिटल टाइप, एक डॉक्टर होगा वो इलाज करेगा पेशेंटों का, वैसा कुछ गेम है और बहुत ही बेहतरीन। तो लेट्स प्ले दिस गेम। सो गाइस हमारा गेम चालू हो चुका है, तो लेट्स सी ये क्या है। ये इधर की साइड कुछ तस्वीरें हैं हॉस्पिटल सा, ये कुछ ऐसा हॉस्पिटल है। इधर ये कुछ रखा हुआ है, ये क्या मतलब भैंस की क्या क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गाइस इसमें कि ये कुछ पेंटिंग्स वगैरह, ड्रावनी पेंटिंग्स बना रखे। हॉस्पिटल है, भूतिया बंगला है भाई, ये बता दो पहले तो तुम मुझे। भैंस की ऐसी ऐसी पेंटिंग्स लगा रखी है, कुछ अच्छी पेंटिंग लगाओ, दिल की लगाओ कुछ अच्छा अच्छा और यहाँ पर कुछ बुक पढ़िए, फिजिक्स की बुक है, इस पर कुछ लिखा है, साइंस वगैरह भी लिखा हुआ गाइस इस पर। अच्छा ये, और इधर ये एक केक पड़ा है, ये कद्दू का केक है। कद्दू का केक कौन खाता भाई हॉस्पिटल में? भैंस क्या कद्दू के केक वगैरह पड़े हुए हैं। और इधर देख सकते हो एक गेट है, गेट खुल नहीं रहा, इतनी देर से मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस। और इधर की साइड ये क्या है, एक लोक भी है, इस लोक में मतलब जा नहीं सकते। चलो इधर तो ये क्या, एक दो तीन चार, ये चार क्या है? और इधर से भी एक दो तीन चार, ये भैंस की क्या दे रखा गाइज, ये कुछ रॉकेट लॉन्चर वगैरह तो नहीं है कहीं, स्पेसशिप में जाने की तैयारी। भाई मैं डॉक्टर बनने आया हूँ, कोई स्पेसशिप में भेज रहे हैं मेरे को गाइज ये। और गाइज ये कुछ ऐसे हमने रेडी कर दिया, और ये क्या, ये बंद हो चुका है। और भाई ये इतना वो क्यों हो रहा है गाइज, और ये मुझे ऊपर की साइड लेके जा रहा हूँ। ओ भैंस की ये क्या हो गया, ब्लैक स्क्रीन सी हो गई गाइज। और ये मान चुका हूँ जो मेरा एक्सबॉक्स में गेम में नाम है गाइज इसका, तो ये भी देख सकते हो आप। तो गाइज ये कुछ उड़ा रहा है मेरे को हवा में, और मुझे भेज दिया इसने, इसे इंडक्शन लिखा हुआ रहा। ओके ओके लेट्स गो गाइज, इधर देखते हैं क्या होगा। ओके तो यहाँ पे ये मैडम कुछ बोले जा रही है, प्लीज एक्सक्यूज मी, तो अच्छा ओके ओके कुछ फंक्शनल है, ठीक ठीक। तो गाइज ये कुछ मेरे को बता रही है इस साइड, तो हम बिना किसी देरी के यहाँ पे देखते हैं कि रेड लाइट और क्या सीन है यहाँ का। तो गाइज हमें यहाँ से कुछ करना पड़ेगा, और यहाँ लिखा डोंट टच, तो भैंस की आँख मैं तो करूँगा टच। ये ले गिराऊंगा, इसको भी गिराऊंगा। और ये कप मेरे हाथ में आ जाए, इसको भी नीचे गिरा, आगे आगे आगे, अरे अरे छूट गया फिर से। एक बार हाथ में आ तू, एक बार हाथ में, इस कप को तो गिरा के मानूंगा गाइज मैं। एक मिनट आने दो इसको, मेरे हाथ में आ नहीं रहा, थोड़ा दूर चले गया। इधर से कोशिश करता हूँ, इधर से हाथ नहीं आ रहा, इधर से ही जाके हाथ आएगा मेरे को लग रहा है ये। इधर से आंधे, इधर से भैंस की, इधर इधर, ये ले, अरे कुर्सी गिर गई, अरे ये ले कप, कप भी गिर गया, कुर्सी भी गिरी, कप भी गिर गया, लो भाई। और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स बता रखे हैं, ASWD। ओके गाइस सो लेट्स गो, बिना किसी देरी के चलते हैं आगे की साइड। ये हॉस्पिटल है, कुछ कबाड़ खाना गाइस देख रहे हो क्या क्या। और ये बुक फिर से वहीं पड़ी है, ये बुक फिर से आ गई। और ये इधर कुछ दारू की पेटी है, क्या है भाई ये, कुछ दारू की पेटियां लग रही है। नहीं नहीं यार, ये तो दवाइयां होगी यार, हॉस्पिटल में दारू के ठेके पे थोड़ी ना आऊंगा गाइस। तो लेट्स गो, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आगे की साइड। तो ये कुछ स्प्रे वगैरह पड़ा है, मूव वगैरह, और यहाँ पे कुछ डस्टबिन वगैरह पूरा फैला हुआ है यार, हॉस्पिटल लग रहा है, कबाड़ खाना है भैंस की आंख। और ये एक मैडम पता नहीं क्या बोले जा रही इतनी देर से, क्या रेलवे स्टेशन पे हूँ क्या मैं भैंस की। और ये यहाँ पे इनका एसी खराब हो चुका है, फिर से रेड लाइट भैंस की, क्या ऑपरेशन थिएटर है क्या? मुझे लग रहा है ऑपरेशन थिएटर है, रेड लाइट और क्या है, तो कुछ सीरियस कंडीशन चल रही होगी अंदर। नहीं नहीं गाइस यहाँ पे बापू जी की जो चंपक चाचा, उनकी लाठी भी रह गई है, इनकी लाठी यहाँ पे, क्या बापू जी आए क्या हॉस्पिटल में? तो लेट्स गो गाइस आगे की साइड, देखते हैं क्या होगा। यहाँ से शायद मुझे देखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, बटन दबाना है, और इसके लिए शायद यहाँ नीचे कुछ दिख रहा है मुझे गाइस, तो नीचे से मुझे जाना पड़ेगा। अरे नीचे से मैं निकल सकता हूँ, निकल गया गाइस, निकल गया। और यहाँ पे अरे खड़ा हो जा भाई, यहाँ पे कुछ स्विफ्ट वगैरह लिखा हुआ है, कुछ कंट्रोल्स बता रखे हैं। और यहाँ पे ये फिर से आ गया ये कप, इस कप को तो मैं फिर से गिराऊंगा, रुको गाइस इसको मैं गिराई दूँ। ये ले, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कप, और ये कप प्लास्टिक का है तो टूट नहीं रहा गाइस। तो लेट्स गो आगे एक साइड, देखते हैं इधर लॉकर वगैरह भी है कुछ, और ये पूरा फैला हुआ सामान। और मुझे ये बटन दबाना है, मुझे ये बटन दबाना, और ग्रीन बत्ती जल चुकी है गाइस, तो अब शायद वो गेट खुल चुका है, तो ग्रीन बत्ती हो चुकी है ऑपरेशन थिएटर की। ऑपरेशन थिएटर नहीं है शायद, ये कुछ और ही है। अरे ये तो पूरा कबाड़ खाना है, आई एम सॉरी अबाउट द मैस। हाँ मैस तो तूने कुछ ठीक तो कर नहीं रखा इसमें, बकवास सा कर रखा पूरा। तो गाइज ये कुछ ऐसा लोकर वगैरह इधर है, और ये कुछ पता नहीं है, पूरा हॉस्पिटल है, कबाड़ खाना पूरा फैला हुआ यार, सारे सामान दवाइयाँ वगैरह रखी हुई है उधर।
तो लेट्स गो गाइस, ये कुछ ऐसा है और पीछे लोकर थोड़े थोड़े छोटे छोटे। अब मुझे शायद इधर जाना है, इधर तो भाई लोक बंद है। नहीं नहीं इधर नहीं जाना, तो हमें उधर जाना है। तो यहाँ पे ये क्या रखा है, ये हरी बोल सी, इसकी भैंस क्या, इसको भी गिराऊंगा मैं, इसको तो गिरा के मानूंगा। ले ये ले, गिर गई गाइस, और कुछ बुक्स वगैरह थी वो भी गिर गई। तो लेट्स गो गाइस, ये दुआइयों की फिर से आ गई है। ओके, तो यहाँ पे फिर से रेड लाइट है, यहाँ करना है क्या। आई रिक्वायर टू, आईडी कार्ड चाहिए मुझे, आईडी कार्ड के बिना। और इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर कमल, डॉक्टर कमल की आईडी कहाँ मिलेगी भैंस की आँख, यही तो नहीं है। अरे यही तो नहीं आईडी, इसको यहाँ पे रखना हो। नहीं नहीं ये आईडी नहीं लग रही गाइज, निकल नहीं पा रही, मुझे लग रहा है कहीं और से जाना है। और ये सामने कुछ विंडो दिख रही है, इस विंडो के अंदर, अरे अंदर चले गए गाइज, देख रहे हो अंदर तोड़ दिया मैंने, तो थारा भाई धीरेन्द्र, और अंदर फिर से वो खतरनाक सी पेंटिंग, और ए सी में से भी धुआं निकल रहा है। तो लेट्स गो, यहाँ पे कुछ देखते हैं। ये रही आईडीज, ये पड़ी मेरी आईडी यहाँ पे पड़ी हुई डॉक्टर कमल की। तो लेट्स गो, डॉक्टर कमल उठा लेते हैं और लेट्स गो गाइज, अंदर के आगे साइड चलते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। और हरी बत्ती हो चुकी है, तो लेट्स गो गाइज, बिना किसी देरी के हरी बत्ती हो चुकी है। अंदर की साइड हम चलते हैं, तो भाई अंदर की साइड जाए, लेट्स गो। तो अंदर की साइड आ चुके हैं, सर्जरी हो रही है इधर की साइड मेरे को लग रहा है सर्जरी। और ये देख सकते हो अंडर कंस्ट्रक्शन है ये हॉस्पिटल, मेरे को लग ही रहा है। उधर देखो बेडिंग वगैरह भी हो रही है। तो लेट्स गो गाइस, आगे साइड चलते हैं। और इधर कुछ लाइट वगैरह भी पड़ी हुई है ये, तो हम बिना किसी देरी के ये खोले। अरे भैंस की आँख, ये क्या है, ये बाल्टी वगैरह इधर है, बाल्टी है इधर, ये क्या, ये दारू की पेटी तो नहीं है वैसे, दवाइयाँ। और दवाइयाँ देखो गाइस क्या ही रहता है, ये दवाइयाँ ही है। और यहाँ पे कुछ पेंटिंग ब्रश पेंट पड़ा है, यहाँ ये नीचे झाड़ू की ब्रश पड़ी हुई है। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ से पता नहीं है कि फिर से बुक लिखी हुई है, बुक के ऊपर फिलर लिखा हुआ है लेट्स गो। तो हमें बिना किसी देरी के आगे चलना चाहिए। तो आगे अब ये तीन गेट है, तीन में से एक तो बंद है, दो अकड़ बकड़ बम्बे पो, किस में जाएं, 80-90 पूरा सो, किस में इसमें चलते हैं। लेट्स गो गाइस, अरे ये तो भैंस के आगे, ये गलत में आगे शायद हमें, तो इधर जाते हैं। अरे ये तो बिल्कुल छोटा सा कमरा है, अरे अरे ये तो बिल्कुल उससे भी गलत है, वहीं चलना है शायद गाइस हमें। तो हमारा बिल्कुल अकड़ पकड़ पूरा 90-100 पूरे सही था। इधर की साइड कहाँ जाना है, इधर गेट में जाना है। नहीं नहीं ये गलत है, मेरे को शायद बेड के ऊपर से जाना है उधर से। तो लेट्स गाइस, इधर तो कांच लगा हुआ है, कांच लगा हुआ इधर क्या करना है भैंस की, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे भाइयों। ओके, तो मेरे को लग रहा है अंदर की साइड जाना है, अंदर की साइड, यहाँ लिखा क्राउच होना है, क्राउच होके कहाँ से जाना है भैंस की, यहाँ से जा पाएगा। अरे तो डॉक्टर कमल ज़्यादा ही मोटे हो गए, यहाँ से नहीं निकल पा रहेगा इस, मुझे लग रहा है। तो इधर से जाना, ओके ओके। और भाई दवाइयाँ तो इतनी रखी है हॉस्पिटल में, अब कहाँ जाना है। ये एग्जॉस्ट फैन वगैरह इधर रखे हुए हैं, मतलब चल रहे हैं। तो ये खिड़की है, खिड़की को तोड़ के निकलना पड़ेगा। थारा भाई धीरेन्द्र ने एक और खिड़की तोड़ ही दी है, लेट्स गो। एज आई सेड, वर्क इन प्रोग्रेस, जैसा कि बोल ही रहे हैं कि यार वर्क इन प्रोग्रेस है इनका। तो मैंने पहले अंदाजा लगा दिया था हॉस्पिटल ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ जाना है इस वाले गेट में। तो लेट्स गो, यहाँ पे क्या है भैंस की, ये क्या, यहाँ पे भी अब आईडी कार्ड चाहिए। अब यहाँ का आईडी कार्ड कहाँ से ढूंढूँ, कितने आईडी कार्ड चाहिए भाई, और अभी वर्क इन प्रोग्रेस। तो अंदर की साइड चल के देखते हैं, हमें कुछ मिल ही जाएगा गाइस। तो अंदर की साइड ये देखो, तीन तीन आईडी कार्ड पड़े हैं, तो इसको हम उठा लेते हैं। अरे उठा ले भैंस की आँख, उठा लिया गाइस। और ये पड़ी है, अरे भैंस की दवाइयों का डब्बा गिरा दिया मैंने गाइस। तो यहाँ पे ये लगा दिया मैंने, तो आगे चल के देखते हैं। लेट्स गो, हम पहुंच चुके हैं सर्जरी थिएटर में। ओके, तो अरे बॉडी आगे भैंस की, यहाँ बॉडी आगे टकले अंकल की, यहाँ से देख ही पा रहे होंगे फेफड़े वगैरह दिख रहे हैं भैंस की, इनका वर्क इन प्रोग्रेस इनका भी, जो अंकल जी है। तो लेट्स गो गाइस, बिना किसी देरी के इनको देखते हैं, और देखते हैं जाना कहाँ से इनके पास। इनके पास जाने के लिए मुझे नहीं लगता, पता नहीं किधर से जाना है। इधर देखिए वो हड्डियाँ वगैरह, हड्डियाँ नहीं मतलब वो फ्रेश वगैरह, टांगे वगैरह पड़े, शायद इनकी टांग फ्रैक्चर हुई है मेरे को लग रहा है, टांग वगैरह हाथ वगैरह तो वो रखे हुए हैं। और इधर ये कैन वगैरह भी पड़ी हुई थी, तो हमें जाना किस साइड, अभी इसके पास जाऊं कैसे, इसकी मुंडी पे मारूं कैसे जाके दो लात। तो गाइज मुझे जाना पड़ेगा अंदर की साइड। तो यहाँ पे कैन वगैरह और यहाँ पे ये फाइल वगैरह रखी, फाइल को इधर रख देता हूँ, लेट्स इधर रख देते हैं। ओके, फाइल वगैरह हो गई। और ये क्या है यहाँ पे, कुछ देखने तो नहीं है पर जाना कहाँ से। और ये अरे 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 आंटी सॉरी, मेरे से गिर गया भाई, नर्स मुझे माफ कर दियो। तो गाइज हमारी लेवल 1 कंप्लीट हो चुकी है, लेट्स गो गाइज, अब आगे का गेम प्ले देखते हैं। तो गाइज उस चीज को करने के बाद अब मुझे सर्जरी थिएटर में भेजना है ट्रेनिंग के लिए। तो मैं जा रहा हूँ सर्जरी ट्रेनिंग में, डर तो काफी लग रहा है पर जाना तो पड़ेगा गाइज। अब डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने का सपना देखा है। तो गाइज लेट्स गो सर्जरी ट्रेनिंग, इधर ये खोल दिए हैं हम। और यहाँ पे कुछ दिख रहा है ग्रीन लाइट सी, और यहाँ पे क्या है, ये स्कैनर वगैरह है जो बॉडी स्कैन करते हैं। ओके, इतना तो पता है गाइज मुझे, तो स्कैनर से शायद बॉडी स्कैन करनी है मुझे, ऐसा कुछ लग रहा है। पहला टास्क यही है, बट यहाँ पे अभी बॉडी आई नहीं है, बॉडी आ
चुके हैं, बोलते ही जैसे बोला एक आ चुके हैं अंकल जी, और अंकल जी को देख सकते हो क्या दिक्कत है, इस सज्जन व्यक्ति को क्या दिक्कत है, मुझे लग रहा है ये टकले अंकल क्या हाल है, ये टकले अंकल है भैंस की, और टकले टकलू को हिला रहा हूँ, ये ले ये टकले अंकल से मैं काफ़ी मजे ले रहा हूँ, इधर से उधर उधर से इधर, ये मुंडी से खेल रहा हूँ मैं इसकी। गाइज ये क्या है, ये इसके फेफड़े वगैरह हड्डी वगैरह दिख रही है, और ये गुस्सा क्या भर रखा है इसमें भैंस की आँख, पता नहीं क्या ये गाइज, और ये ब्लड लूज रेट भी लिखा हुआ है इधर कुछ है इसका, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या वैसे ये, और ये क्या है, ये किचक किचक कर देता हूँ इसके, पता नहीं है, मुझे पता नहीं चल रहा कि ये है क्या, और टकले अंकल क्या हाल है, क्या हाल है टकले अंकल के, मैं फुल मजे ले रहा हूँ गाइज, देख रहे हो उनकी टकली का दिनक दिन धां कर रहा हूँ, ठीक है गाइज, तो देखते हैं इसको दिक्कत क्या है यहाँ पे दिखेगा, तो इसके दिक्कत है शायद राइट लेग में कुछ फ्रैक्चर वगैरह है, तो राइट लेग के लिए यहाँ पे शायद यहाँ पे गिरनी है, और यहाँ से कुछ इंजेक्शन वगैरह बना हुआ, और वहाँ शायद फ्रेश टांग आएगी। ओके तो गाइज ये प्रोसेस मुझे बिल्कुल ईजिली समझ में आ चुका है, तो गाइज अब इसकी राइट लेग को उखाड़ने का वक्त आ गया, तो लेट्स गो, उखड़ जा, उखड़ गई गाइस, खून निकल रहा भैंस के अंकल जी की टांग यहाँ पे डालेंगे हम, तो लेट्स गो, हमने टांग डाल दी है, और यहाँ पे इंजेक्शन आ चुका है, तो अब ये इंजेक्शन इधर लगाना है भैंस के, यहाँ के इंजेक्शन कैसे लगाऊंगा मैं, ये लगेगा कैसे गाइस, मेरे को नहीं लग रहा है मैं लगा पाऊंगा वैसे बहुत भाई, अरे नीचे हो भाई इंजेक्शन, अरे इंजेक्शन को नीचे कैसे करूँ यार, इसकी टांग भाई पूरा खून खून निकल रहा भाई, स्टॉप द ब्लीड करना, ब्लीड स्टॉप नहीं आता ये मर जाएंगे अंकल जी, अरे क्या हो रहा भैंस की ये, अबे लग जा भाई, अबे ये इंजेक्शन गिर गया यार, अबे इंजेक्शन तेरे को भी अभी गिरना था, अरे भाई उठ भाई वो मर जाएगा इंजेक्शन, अरे भाई मैं उठा नहीं पा रहा इंजेक्शन, क्या चल रहा भाई मेरी जिंदगी खराब है, ये इंजेक्शन ही खराब है भैंस, क्या कर रहे अंकल जी मर जाएंगे भाई, उठ भाई लग इंजेक्शन, लग जा अरे लग जा भाई, अरे कहाँ लगा दिया मैंने, गलत जगह लगा दिया इंजेक्शन, और वो बेचारा एक पेशेंट मर गया, अरे रे मैंने पहला खून कर दिया गाइस, पर ये मेरे से गलती से हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया है गाइस, तो मैं अब क्या करूँ भाई, अरे रे रे रे, अरे इंजेक्शन उठ जा रहे, ये इंजेक्शन मेरे हाथ में ही नहीं आना चाहती, आना ही नहीं चाहता गाइस, मैं क्या करूँ, ये भैंस यहाँ इसको फेंको, यहाँ पे डस्टबिन में फेंको इस बेकार इंजेक्शन को, तो गाइस मैंने डस्टबिन में फेंक दिया, और हमारी नई बॉडी आ चुकी है, अंकल जी फिर से आ चुके हैं, देखते हैं अब क्या अंकल जी का हम इलाज कर पाएंगे, तो लेट्स गो, हम टांग पहले तो टांग उखाड़ देते, टांग उखाड़ के जल्दी से वहाँ फेंकता हूँ, और वहाँ पे फेंकने के बाद गाइज मैं इनकी टांग का इलाज करता हूँ, और आ गया इंजेक्शन भी, आ गया इंजेक्शन में, अरे उठ जा भाई, अरे उठ भाई इंजेक्शन, ये इंजेक्शन उठता का ही नहीं है, तो गाइज ये वाला इंजेक्शन भी मैंने उठा लिया है, और लेट्स गो गाइज अंकल जी को कहाँ लगाऊँ भैंस की लगेगा कहाँ लगेगा, टकली में थोड़ी ना लगाना भाई, यहाँ पैर में लगाना भाई, लग जा यार, ये इंजेक्शन थोड़ा ऊपर की साइड है इसकी नोक, और भाई इंसान नीचे है, तो भाई कहाँ लगाऊँ उसके, भैंस की आँख में लगा नहीं पा रहे, ये ग्रीन लाइट मेरे दिमाग खराब कर रही है गाइज, तो मैं इधर से आके इसको कोशिश करता हूँ लगाने की, तो भाई लग जा भाई प्लीज लग गया हाथ में लग गया तो गाइज इंजेक्शन लग रहा परफेक्टली, ओ भाई मैंने बचा ली इस पेशेंट की जान, तो गाइज वो बच चुके, उनका ब्लड स्टॉप हो चुका है, और उनकी नई टांग आके नीचे गिर चुकी है, तो उनकी टांग ठीक होके आ गई है गाइज, तो उनकी इसकी टांग को जोड़ देते हैं अंकल जी की टांग से, तो लेट्स गो, तो गाइज ये वाली मैंने टांग उठाई, और टांग उठा के अरे ले लग गई, तो गाइज हमने बचा लिए हमारे अंकल जी, ये पहला जो हमारा टीम पास था वो है मैंने कर ही दिया गाइज पहला टास्क, तो भाई ये वाला तो भाई बड़ा डिफिकल्ट था भाई, पहला जो व्यक्ति आया था उसको तो मैंने टांग फ्रैक्चर भी कर दी थी गाइज, और ये कुछ ऐसा भैंस की है ये, सर्जरी थिएटर भाई बड़ा खतरनाक है, ओके तो गाइज ये है कुछ आज का सीन, तो ठीक है गाइज आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, होप करते हैं आपको मजा आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।